देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। किसनी मैनपुरी, शनिवार की देर सायं थाना पुलिस ने बरिया में अपने घर शस्त्र फैक्ट्री चला रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके पास से बने अधबने तमंचे राइफल सहित कई उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस उसके फरार साथी की तलाश कर रही है। शनिवार शाम को इंस्पेक्टर के तिवारी, SI सत्येंद्र पाल सिंह, रामनगर चौकी इंचार्ज राहुल सिंह कुसमरा पुलिस के साथ बरिया गांव में हिस्ट्री सीटर मजबूत सिंह के यहाँ छापा मारा। पुलिस को उसके घर से शस्त्र फैक्ट्री चलती मिली। पुलिस को मजबूत सिंह का भाई छोटेलाल पुत्र सत्यभान सिंह उर्फ पुतान सिंह घर के अंदर कमरे में शस्त्र बनाते हुए मिला। घर से कई बने अधबने तमंचे, देसी राइफल और शस्त्र बनाने के लिए उपकरण बरामद हुए हैं। छापे के दौरान एक व्यक्ति राजेश कुमार निवासी कमल नेर थाना किसनी फरार हो गया। पूछताछ में छोटे लाल ने पुलिस को बताया कि वह एक तमंचे के 5,000 व देसी राइफल को 5,000 रुपये में बेचता है। इंस्पेक्टर के तिवारी ने बताया कि आरोपी को रविवार की लिखा पढ़ी के बाद जेल भेजा गया। पकड़े गए आरोपी के भाई मजबूत सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस पर हिस्ट्री सीटर भी लगी हुई है। एक वर्ष पूर्व उसकी गाँव के पास हत्या कर दी गई थी। एक HS हमारा है, था मजबूत सिंह, उसके घर में असलाज फैक्ट्री चल रही है, अवैध असलाज फैक्ट्री चल रही है। इस सूचना पर हमारे SI साहब सत्येंद्र कुमार सिंह और चौकी का फोर्स हमारे रामनगर का हमारे कांस्टेबल सूचना मौके पहुंचे तो वहां पे फैक्ट्री चलती हुई मिली। ये व्यक्ति छोटी लल्ला शनाब सत्य भान सिंह जो मजबूत सिंह HS है उसका मर्डर हो चुका, उसका छोटा भाई है, उसके घर में अवैध फैक्ट्री चल रही थी। वहाँ से कई बने और अधबने तमंचे व राइफल काफ़ी सामान काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है जिसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी क्राइम के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।